हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है विजय और मैं आपका मेरे यूट्यूब चैनल गीगाबाइट ऑनलाइन में स्वागत करता हूं। फ्रेंड, वीडियो शुरू होने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा दें। चलिए फ्रेंड, वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप मध्य प्रदेश के किसी सरकारी या प्राइवेट कॉलेज में पढ़ते हैं और एसटीएससी कैटेगरी में आते हैं तो फ्रेंड्स आप आवास छात्रवृत्ति का लाभ ले सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको सरकारी हॉस्टल नहीं मिला है और आप किराए से रूम लेकर रह रहे हैं तो फ्रेंड्स आप इस छात्रवृत्ति का फॉर्म भर सकते हैं। फ्रेंड्स, एक बात मैं और बता दूं कि अगर आपने पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति का फॉर्म भरा है तभी आप आवास छात्रवृत्ति के लिए फॉर्म भर पाएंगे। फ्रेंड्स, इसके दस्तावेज की अगर बात करें तो आपका आधार कार्ड, समग्र आईडी, जाति प्रमाण पत्र और आय व मूल निवासी प्रमाण पत्र इसमें लगने वाले हैं। इस फॉर्म को भरने के लिए फ्रेंड्स सबसे पहले आपको एमपीटास पोर्टल पर प्रोफाइल पंजीकरण करना होता है। मैंने फ्रेंड्स इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप दिखाया है, आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। चलिए फ्रेंड, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स आपको किसी ब्राउजर में चले जाना है। ब्राउजर में जाने के बाद फ्रेंड्स आपको टाइप करना है एमपीटास। फ्रेंड्स टाइप करके सर्च कर लेना है। सर्च करते ही कुछ प्रकार का इंटरफेस निकल के आएगा। यहाँ फ्रेंड्स सबसे पहली जो वेबसाइट आ रही है जनजाति कार्य अनुसूचित जाति कल्याण विभाग, इस पे आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे एमपीटास पोर्टल की मुख्य वेबसाइट यहाँ पे ओपन हो जाएगी। ओपन होने के बाद फ्रेंड्स सबसे पहले अगर आप यहाँ पे नए हैं तो आपको फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं कि अकाउंट नहीं है, नया हितग्राही प्रोफाइल पंजीकरण, इस पे आपको क्लिक कर लेना है। और इसके अलावा फ्रेंड्स अगर आपके पास आईडी पासवर्ड अवेलेबल है तो फ्रेंड्स आप यहां पर डायरेक्टली लॉगिन कर सकते हैं। फ्रेंड्स यहां पे मैं नया हितग्राही प्रोफाइल पंजीकरण पर क्लिक कर दूंगा। क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार का इंटरफेस निकल के आएगा। यहां फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि प्रोफाइल को पंजीकरण करने के लिए आपको आपके आधार के अनुसार इसमें डिटेल इंटर करना है। यहां फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि आधार के अनुसार विवरण, यानी कि फ्रेंड्स सबसे पहले आपको आपका नाम यहां आधार के अनुसार इंटर करना है। उसके बाद आपका नाम फ्रेंड्स आपको यहां पे हिंदी में इंटर करना है। नीचे फ्रेंड्स आपको डेट ऑफ बर्थ और फादर नेम इंटर कर लेने हैं। उसके बाद फ्रेंड्स आपको यहां पे आपका जेंडर सिलेक्ट कर लेना है। अगले ऑप्शन में फ्रेंड्स आपको आपके आधार कार्ड से आपका एड्रेस सिलेक्ट करना है और उसके बाद फ्रेंड्स आपको आपका मोबाइल नंबर और मैरिज डिटेल सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद फ्रेंड्स यहां पे आप आपकी ईमेल आईडी इंटर कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन फ्रेंड्स आपको आपका जाति प्रमाण पत्र की डिटेल इंटर करना है। उसके बाद फ्रेंड्स आपको यहां पे आपके जाति प्रमाण पत्र की डेट सिलेक्ट करना है। फ्रेंड्स आपने जब भी जाति प्रमाण पत्र बनवाया था यहां पे उसकी इशू डेट आपको इंटर कर लेना है। अगर फ्रेंड्स आप दिव्यांग कैटेगरी में आते हैं तो आपको यस करना है, नहीं तो नो रहने देना है। उसके बाद फ्रेंड्स आपको आपका रिलीजन सिलेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट ऑप्शन में फ्रेंड्स यहां पे आपको नो कर लेना है और सुरक्षित करें आगे जाए पे सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद फ्रेंड्स आपके समग्र आईडी का डिटेल और आय और मूल निवासी का डिटेल मांगा जाएगा और उसके बाद फ्रेंड्स आपको इसका पासवर्ड सिलेक्ट कर लेना है। फ्रेंड्स आप अपनी प्रोफाइल कंप्लीट करना चाहते हैं या बनाना चाहते हैं तो मैंने फ्रेंड्स उसके ऊपर पहले ही एक पूरा वीडियो बना दिया है कि हितग्राही प्रोफाइल पंजीकरण कैसे करना है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहां जाकर अपना हितग्राही प्रोफाइल पंजीकरण पूरा कर सकते हैं और उसके बाद फ्रेंड्स आवास छात्रवृत्ति का फॉर्म भर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आपके पास आईडी पासवर्ड अगर आ गए हैं आपको फ्रेंड्स वापस से होम पेज पे आ जाना है। यहाँ फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि एमपीटास का एक ऑप्शन दिया हुआ, इस पे आपको वापस से क्लिक कर लेना है। एमपीटास पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हम उसी वेबसाइट पे वापस रीडायरेक्ट हो गए हैं। यहाँ फ्रेंड्स आपके पास आईडी पासवर्ड आने के बाद उस आईडी पासवर्ड को आपको यहाँ पे एंटर कर देना है। आईडी पासवर्ड एंटर करने के बाद फ्रेंड नीचे आपको कैप्चा एंटर करना है। उसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक कर लेना है। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आवश्यक सूचना निकल के आ रही है, जहाँ फ्रेंड्स आपसे कहा जा रहा है कि क्या आपका बैंक खाता जनधन खाता है, यदि हाँ तो उसकी लिमिट बढ़वाएं तथा अपने बैंक खाते को आधार लिंक करवाने हेतु अपनी बैंक शाखा में संपर्क करें। यहाँ पे आपको इसे क्लोज कर लेना है। इसके अलावा फ्रेंड्स जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर आप आवास का फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपका पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति का फॉर्म भी भरा हुआ होना चाहिए। पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति का फॉर्म कैसे भरना है इसके ऊपर भी मैंने एक पहले वीडियो बना दिया है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहां जाकर अपना पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति का फॉर्म भर सकते हैं। और फ्रेंड्स अगर आप ओबीसी कैटेगरी में आते हैं तब भी आपको एमपीटास पोर्टल से ही छात्रवृत्ति का फॉर्म भरना है। फ्रेंड डैशबोर्ड पे आने के बाद फ्रेंड्स आपको यहां देख सकते हैं कि आवास का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पे आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स यहां पे देख सकते हैं कि एप्लीकेशन अप्लाई का एक ऑप्शन आ रहा है, इस पे आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करते ही फ्रेंड कुछ इस प्रकार का इंटरफेस निकल के आ जाएगा। सबसे पहले फ्रेंड्स आपको प्रवेश वर्ष यानी एडमिशन ईयर सिलेक्ट करना है। तो फ्रेंड्स आप जिस भी ईयर के स्टूडेंट हैं, यानी फ्रेंड्स आपका एडमिशन जिस भी ईयर में हुआ है उसको आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद फ्रेंड्स देख सकते हैं कि आवेदन का प्रकार पूछा जा रहा है कि फ्रेंड्स आप फ्रेश स्टूडेंट है या आप सेकेंड ईयर थर्ड ईयर के स्टूडेंट है, तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पे रिन्यूअल पे सिलेक्ट करना है। फ्रेश स्टूडेंट है या फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है तो यहाँ पे आपको फ्रेश सिलेक्ट करना है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे शैक्षणिक वर्ष में आपका शैक्षणिक वर्ष देख सकते हैं कि यहाँ फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर जो भी चल रहा है उसको आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे फ्रेंड किस्त संख्या में अगर आप फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के लिए भर रहे हैं तो आपको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट सिलेक्ट करना है और फ्रेंड्स अगर आपकी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आ चुकी है तो आपको फ्रेंड्स यहाँ पे सेकंड इंस्टॉलमेंट पे क्लिक करना है। सभी चीजें सिलेक्ट करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आवेदन के लिए आगे बढ़े पे आपको क्लिक कर लेना है।
तो मैंने फ्रेंड्स यहाँ पे रिन्यूअल पे सिलेक्ट किया है। अगर आप फर्स्ट टाइम सिलेक्ट करेंगे तो आपको फ्रेंड्स यहाँ पे बेसिक डिटेल इंटर करना होगी, जैसे कि फ्रेंड्स आपका कॉलेज का नाम और आपके कॉलेज का जिला यहाँ पे आपको इंटर कर लेना है। उसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पे आपका रेंटल एड्रेस भी इंटर कर लेना है। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं कि क्या आप पूर्व में प्रस्तुत की गई किरायेनामा की जानकारी के साथ आवेदन प्रस्तुत करना चाहते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स देख सकते हैं कि किराए का पते का विवरण निकल के आ रहा है, तो यहाँ फ्रेंड्स आप जहाँ भी रहते हैं उसके रूम का एड्रेस आपको यहाँ पे इंटर कर देना है। जिला सिलेक्ट करने के बाद फ्रेंड्स आपको आपका एरिया सिलेक्ट कर लेना है कि आप अर्बन में रहते हैं या रूरल में, यानी कि फ्रेंड्स आप सिटी में ही रहते हैं या गाँव में रहते हैं, उसको आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद फ्रेंड्स आपको आपकी लोकल बॉडी सिलेक्ट करना है। नेक्स्ट ऑप्शन में फ्रेंड्स आपको आपके मकान मालिक का नाम यहाँ पे इंटर करना है। मकान मालिक का नाम इंटर करने के बाद फ्रेंड्स आपको आगे मकान नंबर और गली का नाम भी इंटर कर देना है। उसके बाद फ्रेंड्स आपको आपकी वार्ड संख्या भी यहाँ पे इंटर करना है। नेक्स्ट ऑप्शन में फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि किराए वैधता की प्रारंभ तिथि, यानी कि फ्रेंड्स जब आपने रूम लिया था उसकी डेट आपको यहाँ पे इंटर कर देना है। फ्रेंड्स सभी डिटेल इंटर करने के बाद आपको नीचे मासिक किराया इंटर करना है। फ्रेंड्स मेरी डिटेल यहाँ पे पुरानी सेव है, तो मैं यहाँ पे यस करके पुरानी डिटेल से ही आगे बढ़ूंगा। अगला ऑप्शन फ्रेंड्स आपको यहाँ पे मासिक किराया सिलेक्ट करना है। फ्रेंड्स जो भी आपका मंथली किराया लगता हो उसको आपको यहाँ पे इंटर कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन फ्रेंड्स यहाँ पे आपको रेंट एग्रीमेंट, अगर फ्रेंड्स आपने रेंट एग्रीमेंट बनवाया है तो उसको आपको यहाँ पे इंटर करना है, नहीं तो फ्रेंड्स यहाँ पे प्राइवेट हॉस्टल किराया रसीद या फिर आपकी किराए की रसीद हो तो वो आपको यहाँ पे इंटर कर देना है। तो मैं आपको बता दूं कि फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक कोई रेंट एग्रीमेंट नहीं बनाया है तो फ्रेंड्स गवर्नमेंट द्वारा भी किराया पता घोषणा पत्र दिया जा रहा है, उसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करके फ्रेंड्स कैसे अपलोड करना है मैं आपको बता देता हूं। अगर फ्रेंड्स आप फर्स्ट टाइम यानी फर्स्ट ईयर के लिए भर रहे हैं तो फ्रेंड्स आपको वहीं अपलोडिंग के पास ही किराया पत्र डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल जाएगा। आप वहां से क्लिक करके इस किराया पत्र को डाउनलोड कर सकते हैं। और फ्रेंड्स अगर आपको कोई ऑप्शन नहीं मिलता है या आप सेकेंड ईयर के लिए रिन्यूअल कर रहे हैं तो फ्रेंड्स आपको गूगल पे आ जाना है या फ्रेंड्स आपको टाइप करना है एमपीटास आवास किरायेनामा, इस पे आपको क्लिक कर लेना है। एमपीटास आवास किरायेनामा टाइप करके आपको इंटर कर देना है। उसके बाद आपको सेकेंड नंबर पे आवास सहायता योजना संचालन हेतु किराया पता घोषणा पत्र के संबंध में एक ऑप्शन मिल जाएगा, इस पे आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पे नीचे स्क्रॉल कर लेना है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि सेकेंड नंबर का पेज यहाँ पे निकल के आ रहा है, किराया पता घोषणा पत्र। फ्रेंड्स इसका आपको प्रिंट आउट निकाल लेना है और फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें जो जो डिटेल दे रखी है उसको आपको यहाँ पे भर लेना है। सबसे पहले फ्रेंड्स आपको यहाँ पे प्रोफाइल आईडी और फ्रेंड्स आपकी डिटेल पूरी यहाँ पे आपको इंटर करनी है। उसके बाद फ्रेंड किराए पते का विवरण भी आपको यहाँ पे इंटर कर देना है। इस प्रकार फ्रेंड्स आपको जो भी आपका किराया लगता हो उसको आपको यहाँ पे इंटर करना है और यहाँ फ्रेंड्स आपको आपके हस्ताक्षर और फ्रेंड्स आपके मकान मालिक के हस्ताक्षर यहाँ पे करवा लेना है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार आपका एग्रीमेंट भी रेडी हो जाएगा। इस कागज को फ्रेंड्स वहां पे अपलोड कर देना है। अपलोड करने के बाद फिर यहां पे आपको ओके कर लेना है। उसके बाद फ्रेंड नीचे चेक बॉक्स का ऑप्शन मिल जाएगा, चेक बॉक्स पे आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद फ्रेंड नीचे आपको सुरक्षित करें और आगे बढ़े का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पे आपको क्लिक कर लेना है। सुरक्षित करें आगे बढ़ने के बाद फ्रेंड्स आपको अपना फॉर्म एक बार रिव्यू कर लेना है। सभी डिटेल फ्रेंड्स आपको एक बार चेक कर लेना है। चेक करने के बाद वापस से फ्रेंड्स आपको नीचे एक चेकबॉक्स का ऑप्शन मिलेगा, इस चेकबॉक्स पे आपको क्लिक करके सबमिट पे क्लिक कर लेना है। यहाँ पे फ्रेंड्स आपको यस पे क्लिक कर लेना है। तो फ्रेंड्स आपका फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। इसके बाद आपको फ्रेंड्स प्रिंट करे पे क्लिक करके इस फॉर्म को प्रिंट कर लेना है। फ्रेंड्स आप इसकी पीडीएफ को भी सेव कर सकते हैं। अगर फ्रेंड्स आप अपने सबमिट फॉर्म का रीप्रिंट देना चाहते हैं तो यहाँ फ्रेंड्स आपको आवास पे चले जाना है और यहाँ फ्रेंड्स आपको एप्लीकेशन स्टेटस पे चले जाना है। एप्लीकेशन स्टेटस पे जाने के बाद फ्रेंड्स आपने अभी तक जितने भी फॉर्म भरे हैं वो सभी आपको यहाँ पे निकल के आ जाएंगे। एप्लीकेशन को प्रिंट करने के लिए यहाँ पे सामने आपको प्रिंट एप्लीकेशन का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पे आपको क्लिक कर लेना है। प्रिंट एप्लीकेशन पे क्लिक करते ही फ्रेंड्स आपका फॉर्म यहाँ पे निकल के आ जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पे प्रिंट करे पे क्लिक कर लेना है और फ्रेंड्स आप प्रिंट करे पे जैसे ही क्लिक करेंगे उसी प्रकार डिटेल निकल के आ जाएगी और आपको फिर पीडीएफ सेव कर लेना है। इस प्रकार फ्रेंड आप आसानी से आवास छात्रवृत्ति योजना का फॉर्म भर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं इसी प्रकार फ्रेंड्स आपके लिए अलग अलग टॉपिक्स पर वीडियो बनाता रहूंगा। थैंक यू, जय हिंद।